देवरानी बनी काम वाली। स्नेहा एक पढ़ी लिखी और बहुत ही कोमल मन की लड़की थी। उसने अपने मास्टर्स अभी अभी ख़त्म किए थे और उसके घर वाले उसके लिए एक अच्छे से लड़के की तलाश में थे। एक दिन जब मिस्टर और मिसेस शर्मा स्नेहा के साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी उनकी पड़ोसन सुनीता वहाँ आती है। पूरा घर इकट्ठा चाय पी रहा है, बिल्कुल सही समय पर आई हूँ मैं। अरे सुनीता, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे चाय से काम नहीं चलेगा भाभी, मिठाई तो लेकर आनी पड़ेगी। ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि बिना मुंह मीठा किए आप रह नहीं पाएंगी। मेरी जान पहचान में एक परिवार है, बहुत ही मिलनसार लोग हैं। उनके बेटे से मैंने हमारी स्नेहा की बात चलाई है और उन्हें स्नेहा पसंद भी आ गई है। ये देखिए तस्वीर, लड़का इंजीनियर है। मिस्टर और मिसेस शर्मा को लड़का बहुत पसंद आता है। लड़के की तस्वीर देखकर स्नेहा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। लड़की शर्मा गई मतलब हाँ है। कुछ दिनों बाद ही स्नेहा की शादी वर्मा जी के परिवार में हो जाती है। शादी के दूसरे ही दिन नई बहू ससुराल में आराम की नींद ले रही है, तबीयत खराब हो गई होगी। होता है होता है, शादी में थकावट हो ही जाती है, बाय गॉड। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मैं बस उठ ही रही थी। ये तो अच्छी बात है, अब तू उठ ही गई है तो सबके लिए चाय बना दे। जी हाँ भाभी, अभी बना देती हूँ। स्नेहा तैयार होकर सभी के लिए चाय नाश्ता तैयार करती है। सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। स्नेहा सबको नाश्ता परोसकर खुद नाश्ता करने बैठने वाली होती है कि तभी सोनिया कहती है, नाश्ते में अगर पकोड़े हो जाते तो मजा ही आ जाता, नहीं राहुल? हाँ हाँ माँ, क्यों नहीं, पर अब आप लोग खाइए, मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं निकलता हूँ। जी मैं अभी बनाकर लाती हूँ पकोड़े माँ जी। सभी नाश्ता कर लेते हैं। स्नेहा अपने लिए पकोड़े लेकर घर के सोफे पर बैठी रही होती है कि तभी कामिया सोनिया से कहती है, मानना पड़ेगा माँ, नई बहू के हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा है, क्या पकोड़े बनाए हैं, बाय गॉड मजा ही आ गया। मेरी मम्मी भी ना पकोड़ों की बड़ी शौकीन है, अगर वो भी इन पकोड़ों को खा पाती तो बड़ी खुश हो जाती, बाय गॉड। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, पकोड़े तो बचे ही हैं, मैं अभी पैक कर देती हूँ, आप अपनी मम्मी के पास पकोड़े भिजवा दीजिए, वैसे भी रोटियाँ बची हुई हैं, मैं रोटी खा लूँगी। शादी का दूसरा ही दिन और स्नेहा को उसकी सास और जिठानी घर के कामों में इस तरह लगा देती है मानो वो घर की नई बहू नहीं कोई नौकरानी हो। स्नेहा को भी ये सब कुछ अलग सा लग रहा था, पर वो किसी से कुछ नहीं कहती और जो उसे जैसा भी काम देता वो करती जाती। दिन गुजरते जाते हैं। सोनिया और काम्या की ज्यादती स्नेहा पर कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लग जाती है। स्नेहा की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी काम्या वहाँ आ जाती है। ये लो जी, सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक तुमने इनका टिफिन तैयार नहीं किया, अब कैसे भूखे जाएंगे क्या ये ऑफिस, बाय गॉड। भाभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, रात को तो 2 डिग्री बुखार था। और लाओ ना नाजुक सी कली को बहू बनाकर घर में, 2-3 के क्या तोड़ती है, बिस्तर ही पकड़ लेती है, बाय गॉड। तभी वहां सोनिया आती है और काम्या को आंख मारते हुए कहती है, अरे ये क्या तमीज है काम्या, किस तरह से तुम स्नेहा से बात कर रही हो, वो तुम्हारी देवरानी है, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, 10 मिनट आराम तो करने दो, फिर बना देगी ना टिफिन, अरे नाश्ता भी तो बनाना है ना स्नेहा, तू 10 मिनट आराम कर ले, हम लोग बाहर तेरा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। ये कहकर सोनिया और काम्या कमरे से बाहर चले जाते हैं। तभी स्नेहा की एक सहेली उसे वीडियो कॉल करती है। स्नेहा की शक्ल देखकर वो कहती है, ये क्या हाल बना लिया है तूने अपना स्नेहा, कितनी पतली हो गई है तू। स्नेहा की आंखें भर आती है। आज तक चुपचाप रही स्नेहा रोते हुए सब कुछ पूनम को बता देती है, जिस पर वो कहती है, अरे ये तो सरासर नाइंसाफी है, कोहलू का बैल बनाकर रख दिया है इन लोगों ने तुझे, अब भी अगर तू चुप रही ना तो खुद के साथ गलत करेगी, खुद के लिए लड़ना सीख। पर मैं क्या करूं? अरे अब से तू वही करेगी जो मैं कहूंगी। स्नेहा रसोई घर में जाती है और नाश्ता तैयार करती है। खाना तो वो रोज की तरह बनाती ही है, बस सोनिया और काम्या के खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है खाने की टेबल पर। ये क्या है, लगता है किसी ने गर्मा गर्म मिर्च उबाल कर सीधे मुंह के अंदर ही डाल दिया हो।
मिर्च? खाने में तो आज मिर्च बिल्कुल भी नहीं है माँ। पानी, पानी, इतना तीखा खाना तो मैंने पूरे जीवन में नहीं खाया। बाय गॉड। माँ को देख लिया तो तू भी नखरे करने लगी। हमारा खाना तो बिल्कुल ठीक है, तेरी जबान ही तीखी हो गई है। लगता है माँ के मुंह में छाले हो गए हैं। कल गरम गरम कचौड़ी मुंह में डाल ली थी ना इन्होंने, इसीलिए मिर्च लग रही होगी। मैं दवा दे दूंगी माँ को, आप लोग आराम से काम पर जाइए। सोनू और राहुल काम पर चले जाते हैं। रात को सोनू और राहुल के लौटने के समय स्नेहा जोमेटो से खुद के लिए खाना ऑर्डर करके खा के आराम कर रही होती है। तभी शोर करती हुई काम्या वहां आ जाती है। लगता है आज खाना नहीं मिलेगा, अरे सुबह तो मिर्च वाला खाना खिलाया है, अब क्या भूखा मारेगी हमें। खाना? पर मैंने तो खाना खा लिया, तो मैं आप लोगों के लिए खाना क्यों बनाऊं? हैं? तूने कहां से खाना खाया? वो देखिए मेरे झूठे बर्तन, मैंने तो ऑर्डर किया था। आप भी मंगा लीजिए ना ऑनलाइन खाना, तिजोरी की चाबी तो आप ही के हाथों में है ना, जो मन चाहा वो मंगवा सकती हैं अपने लिए। काम्या तिजोरी खोलने ही जाती है तो क्या देखती है कि तिजोरी की चाबी उसके पास है ही नहीं। वो जाकर इसके बारे में सास से कहती है। अरे नास पीटी, दिन भर ये लाली लिपस्टिक से तुझे फुर्सत मिले तब ना तू चाबियों का ध्यान रखेगी। अरे जरूर किसी पार्लर में छोड़ आई होगी तिजोरी की चाबी। वाह ये भी अच्छा है, जैसे मैं सिर्फ पार्लर ही जाती हूँ और आप तो कुछ करती ही नहीं। जो सोने का हाल लिया था अपने बाबूजी के पैसे चुरा कर, हो सकता है कि वही सुनार के पास आप चाबियां छोड़ आई हो। अरे तो आप तो मुझे ब्लैकमेल करेगी। अभी बताऊं क्या राहुल को कि किस तरह तो स्नेहा से दिन रात अपना सारा काम करवा लेती है। हाँ हाँ जैसे आप तो उसे छोड़ ही देती है ना, अरे नौकरानी से भी बदतर हालत कर दी है उसकी। सोनिया के बेटे और पति घर आ चुके होते हैं। तीनों सोनिया और काम्या की बात सुन रहे होते हैं और इन सब से अनजान वो दोनों लड़ती ही जाती हैं। वाह माँ वाह, तो हमारे पीठ पीछे आप लोग ये सब कर रहे थे। चलो स्नेहा अब तुम्हें और अपमान सहने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैं और पापा भी तुम्हारे साथ चलेंगे। राहुल मुझे माफ कर दो स्नेहा, काम्या ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, नहीं चाहिए ऐसी पत्नी मुझे। अपने बेटे और पतियों को घर से जाता देख सोनिया और काम्या रोने लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़कर मत जाइए। हम लोग कहीं नहीं जा रहे राहुल, तिजोरी की चाबी मैंने ही छुपाई थी ताकि सच सबके सामने आ सके और माँ और भाभी को अपनी करनी का एहसास हो जाए, जो अब हो चुका है। मैं बस इनको सबक सिखाना चाहती थी, आप लोगों का घर तोड़ना नहीं। सहन करने की एक सीमा होती है और जब वो सीमा पार होने लगे तो हमें स्नेहा की तरह ही अन्याय का सामना करना चाहिए और समझदारी से परिवार को संभाल लेना चाहिए, फिर हर घर वर्मा निवास की तरह खुशहाल हो जाएगा।